हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू इकोनॉमिक्स विद एसके के फ्रेंडशिप डे के मौके पर। दोस्ती में होता है ना कोई कायदा ना कोई नियम, दोस्ती में होता है ना कोई कायदा ना कोई नियम, और जब मिलते हैं डिमांड और सप्लाई, जब मिलते हैं डिमांड और सप्लाई तो बनता है मार्केट इक्विलिब्रियम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम क्या है। मार्केट इक्विलिब्रियम जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि मार्केट इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन है, ये हम कहें कि रेस्ट वाली सिचुएशन है, जहां पर चीजें जाकर लगे हाँ यार ठीक है भाई। जैसे कि मार्केट में डिमांड और सप्लाई जहां पर दोनों इक्वल हो जाती है उसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट। जैसे कि सप्लायर क्या चाहता है, सप्लायर चाहता है कि मैं ज्यादा कीमत पर ज्यादा चीजें बेचूं, ज्यादा कीमत मिले मुझे तो मैं ज्यादा चीजें बेचूं। और कंज्यूमर क्या चाहता है, कंज्यूमर चाहता है कि मैं कम से कम प्राइस दूं। ये चाहता है कि मैं ज्यादा ज्यादा दूं, ये चाहता है कि मैं कम से कम प्राइस दूं, लेकिन चलेगी दोनों की नहीं। जहां पर दोनों बराबर हो जाए कि चलो ठीक है यार थोड़ा तुम कम दो हम थोड़ा ज्यादा, थोड़ा कम करें तुम थोड़ा ज्यादा दो, जहां पर बात बराबर हो जाए, जहां पर डिमांड और सप्लाई एक लेवल पर आ जाए, उसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट। तो उसको हम बोलते हैं मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी कि जहां डिमांड और सप्लाई इंटरसेक्ट हो रहे हैं इसके सामने ही होगी इक्विलिब्रियम प्राइस और इसके ही सामने होगी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इसको हम एक शेड्यूल के थ्रू समझते हैं कि देखिये जब मान लो ये प्राइस है 10, 20, 30, 40, 50 कि जब आप मार्केट में यदि मान लीजिए आप कंज्यूमर है तो आप क्या चाहेंगे कि कम प्राइस पर मैं ज्यादा खरीदूं और बढ़ेगी तो फिर मैं कम खरीदूं। यानी कि प्राइस बढ़ रही है तो मैं कम खरीदूंगा, प्राइस बढ़ेगी तो मेरी खरीदने की इच्छा कम हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है हमारी इच्छा कम होती, ज्यादा महंगा होगा तो हम कम खरीदेंगे, सस्ता होगा ज्यादा खरीदेंगे। तो ये तो बात थी कंज्यूमर की, लेकिन सप्लायर क्या चाहता है, सप्लायर ये चाहता है कि भाई जब ज्यादा कीमत मिलेंगे तब मैं ज्यादा चीजें बेचूंगा। कैसे, जैसे कि किसान ले लो आप, किसान क्या चाहता है कि भाई थोड़ा बहुत माल तो अभी बेच देता हूं लेकिन बाद में जब अच्छी कीमत मिलेगी तो मैं ज्यादा बेचूंगा, तभी तो स्टोर करता है। तो वो चाहता है कि मैं ज्यादा कीमत पर ज्यादा चीजें बेचूं, मान लो कि 10 पे 10, 20 पे 20, 30, 40, 50। मैंने एग्जाम्पल लिया है कि जब प्राइस बढ़ रही है तो क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी, एज पर द लॉ ऑफ सप्लाई क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है और एज पर द लॉ ऑफ डिमांड क्वांटिटी डिमांड कम होती है, ठीक। इसी बेसिस पर ये जो है कर्व ड्रॉ किया गया है, देखिए प्राइस कम हो रही है ये कम, ये क्वांटिटी सप्लाई बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है तो ये मैंने बढ़ा ली, ठीक। और दोनों जहां इक्वल हो गई है उसको मैंने नाम दिया है इक्विलिब्रियम पॉइंट, राइट। और ये रही इक्विलिब्रियम प्राइस। अब ये तो बात थी कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, यहां तक की बात तो क्लियर होगी। नेक्स्ट जैसा आप पार्ट टू में पढ़ने वाले हैं कि सप्लाई, पार्ट टू यानी किसी की बात कर लो, सप्लाई का इंपैक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस पर, सप्लाई का इंपैक्ट क्या होगा इक्विलिब्रियम प्राइस पर। से फॉर एग्जाम्पल जैसे कि रॉ मटेरियल है, हमें चीजें बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए रहता है, और रॉ मटेरियल यदि मान लीजिए आपको सस्ता मिल रहा है, इसकी प्राइस कम हो गई है, रॉ मटेरियल सस्ता मिलेगा तो क्या होगा, सप्लायर को चीजें बनाने में खर्च कम आएगा, बनाने में जब खर्च कम आएगा कॉस्ट कम आएगी तो उसका प्रॉफिट बढ़ेगा। बाकी चीजें मैं कांस्टेंट मान रहा हूं, प्राइस वाइज सारी चीजें कांस्टेंट है, यदि उसकी कॉस्ट कम होगी तो उसको प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उसको बेचने की इच्छा भी ज्यादा हो जाएगी। जैसे कि जहां पे लोग 10 यूनिट बेच रहा था वो हो सकता है कि 12 यूनिट बेचे, जहां 20 बेच रहा था हो सकता है वहां 25 बेचे, जहां 30 बेच रहा था वहां हो सकता है 40 बेचे, यानी उसकी जो बेचने की इच्छा है वो बढ़ जाएगी। जब बेचने की इच्छा बढ़ जाएगी तो इच्छा बढ़ जाएगी तो इसको हम यदि इसको यदि हम ड्रॉ करें तो एक इस साइड ड्रॉ होगी, ये साइड ड्रॉ होगी राइट वार्ड साइड में। जब सप्लाई बढ़ जाती है तो सप्लाई करो के राइट वार्ड साइड में, ये रहा सप्लाई करो और ये रहा इसका राइट वार्ड साइड, राइट वार्ड साइड में हमें कर्व ड्रॉ करेंगे क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है। अब सप्लाई बढ़ने से हुआ क्या, सप्लाई बढ़ने से हुआ ये कि जहां पहले 30 क्वांटिटी थी अब वो क्वांटिटी 40 हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई है,
तो इस वजह से हुआ क्या, इस वजह से आपकी जो प्राइस है वो भी प्राइस जो है वो भी लगभग थोड़ा सा देखना पड़ेगा आपको भी, कोई एग्जैक्ट ग्राफ तो है नहीं कि जहां पर जो पहले इक्विलिब्रियम यहां पर था, अब सप्लाई बढ़ने की वजह से, मैं इसको नाम देता हूं H2, ये सप्लाई वन ये सप्लाई टू, जो नई सप्लाई है उसकी वजह से जो इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले यहां था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट यहां पर आ गया। यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले 30 पर था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट 20 पर आ गया, यानी कि सप्लाई बढ़ने से उसकी जो प्राइस है वो कम हो गई। सप्लाई बढ़ेगी, जब सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस कम हो जाती है, कौन सी प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम प्राइस कम हो जाती है। क्लियर। नेक्स्ट नेक्स्ट बात ये कि जस्ट इसका अपोजिट होगा तो क्या होगा, जस्ट इसका अपोजिट होगा तो क्या होगा, मैं ये अलग केस को मिटा देता हूं। जस्ट इसका अपोजिट होगा तो क्या होगा, ये रही सप्लाई, रॉ मटेरियल मान लेता हूं मैं कि महंगा हो गया, रॉ मटेरियल महंगा हो गया तो आपकी जो कॉस्ट है वो ज्यादा आएगी, कॉस्ट ज्यादा आएगी तो जो प्रॉफिट है वो कम होगा, बाकी चीजें कॉन्स्टेंट मान रहे हैं हम कि प्राइस वगैरह सब कॉन्स्टेंट है, तो प्रॉफिट कम होगा, फायदा कम होगा तो बेचने की इच्छा भी कम हो जाएगी, यानी जो सप्लाई जो अभी थी वो कम हो जाएगी, जो पहले 10 था वो हो सकता है 8 हो जाए, जो 20 था वो हो सकता 15 हो गई हो, जो 30 था हो सकता वो 20 हो गई हो, तो सप्लायर की इच्छा कम हो गई, यानी कि सप्लाई कर्व किधर शिफ्ट हो जाएगा, लेफ्ट वार्ड साइड में, तो लेफ्ट साइड में आपने सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया, लेफ्ट साइड में आप सप्लाई कर्व को शिफ्ट किया, यानी कि जो नेक्स्ट नई जो क्वांटिटी वो तो 20 है और नई जो प्राइस है वो 40 है। इसको मैंने P1 नाम दिया था, इसको मैं P3 नाम देता हूं, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पहले यहां था, अब इक्विलिब्रियम पॉइंट को मैं यहां नाम दिया, इसको मैंने E3 नाम दे दिया, वो आपकी जो इच्छा नाम दे सकते हैं, इक्विलिब्रियम 1 इक्विलिब्रियम 3 नाम मैंने दे दिया। तो इक्विलिब्रियम जो नया इक्विलिब्रियम बना है उसके अकॉर्डिंग नई प्राइस P3 और नई क्वांटिटी Q3, यानी कि इसका आउटकम क्या रहा, इसका आउटकम यह रहा कि जब भी हम सप्लाई को कम करेंगे या जब भी सप्लाई कम होगी हम क्या करेंगे, जब भी सप्लाई कम होगी तो जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बढ़ जाएगी, जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो बढ़ जाएगी। ठीक। तो अल्टीमेटली आपको एक फाइनल बात समझ में आई होगी, वो फाइनल बात क्या है, मैं बिल्कुल आपको जल्दी से शॉर्टकट में बताता हूं कि ये रहा सप्लाई करूं, सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी इट मीन्स ये है कि जो प्राइस पहले यहां पर थी मान लो वो प्राइस अब नीचे चल जाएगी, इनकी प्राइस कम होगी, और यदि सप्लाई कम होती है तो प्राइस बढ़ जाती है। ठीक। तो ये कुछ था मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में और सप्लाई का इस पर क्या इंपैक्ट होता है, यदि आपको समझ में आया हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, इससे प्रीवियस वाला वीडियो देखो, जल्दी समझ में आ जाएगा। खैर एक और जरूरी बात यह कि आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं और भी अच्छी वीडियो डाल सकूं। तब तक के लिए अलविदा, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।